चलिए तो यहाँ पे एक बार हम टेस्ट करते हैं, सब्जी डाल देते हैं हम यहाँ पे, इतना जो काफ़ी जरा सा मैं यहाँ पे घी गिर रहा हूँ। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा पनीर डाल लेते हैं। अब नमस्कार दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं प्रेस्टीज ब्रांड के फ्राई पैन का। तो चलिए दोस्तों पहले इसे हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह का ये प्रोडक्ट है। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं ये जो है प्रेस्टीज ब्रांड का है, ओमेगा डीलक्स ग्रेनाइट के नाम से मैंने बाय करा है। और दोस्तों जो फ्राई पैन है ये मैंने अमेजोन से मैंने बाय करा है, जिसका प्राइस मुझे लगभग 750 रुपये के आसपास पड़ा था। और दोस्तों इसमें खास बात ये है कि इसमें हमें ग्रेनाइट की फिनिशिंग भी यहाँ पे दी गई है। ये प्रेस्टीज ब्रांड का है, ओमेगा डीलक्स ग्रेनाइट के नाम से आता है, इसमें ग्रेनाइट की फिनिशिंग दी गई है। ये एक नॉन स्टिक का ये कुकवेयर है, मतलब एक फ्राई पैन है, कुकवेयर आप बोल सकते हैं। ये 24 सेंटीमीटर का फ्राई पैन है, आप देख सकते हैं, यानी कि 1.7 लीटर का ये फ्राई पैन है। इसमें दोस्तों खास बात यह है कि इसमें 5 लेयर की नॉनस्टिक की कोटिंग यहाँ पे दी गई है और ऊपर से साथ में इसमें ग्रेनाइट की फिनिशिंग भी यहाँ पे करी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक बार इसको मैं साइड से दिखा देता हूँ। इसकी जो MRP है वो 1220 रुपये है, और यहाँ पे इसके आप साइड में एक बार देख सकते हैं इनके 24 सेंटीमीटर का ये फ्राई पैन है, यानी कि 1.7 लीटर का। इसमें 2 साल की यहाँ पे वारंटी यहाँ पे दी हुई है, तो इसमें हमें 2 साल की यहाँ पे वारंटी मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो फ्राई पैन है ये इंडिया में बना हुआ है, मेड इन इंडिया यहाँ पे लिखा है। और बाकी इसकी अगर आप यहाँ पे साइड में देखो तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसमें डबल ग्रेनाइट की फिनिशिंग यहाँ पे हुई हुई है, कोटिंग यहाँ पे हुई हुई है। ये डिशवॉशर सेफ है, इसे आप अपने डिशवॉशर में भी आप मतलब सब साफ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सुपीरियर नॉन स्टिक सरफेस यहाँ पे दिया हुआ है और 2 लेयर की मेटेलिक फिनिशिंग यहाँ पे दी हुई है, और इसमें 5 लेयर की नॉनस्टिक की लेयर भी यहाँ पे दी हुई है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इनकी साइड पे शो कर रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इसे हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह का ये फ्राई पैन है। तो मैं भी इसे पहली बार ही ओपन कर रहा हूँ, और इसे एक बार हम ट्राई करेंगे किस तरह का ये प्रोडक्ट है। तो जो फ्राई पैन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ही आया है, इसे यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं एक बार दिल्ली से। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं ये जो फ्राई पैन है, इसका आप साइज दे सकते हैं, इसके बाद हमें ये मिला है ये, और बाकी आप ये हमारा फ्राई पैन दे सकते हैं। और दोस्तों जो फ्राई पैन है ये, इसे हम गैस के ऊपर भी इसे यूज़ कर सकते हैं और इंडक्शन स्टोव के ऊपर भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे जो बाय किया था, मैं इसे इंडक्शन स्टोव के ऊपर यूज़ करने वाला हूँ, और आप चाहे तो इसे गैस के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों के ऊपर ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका साइज़ दे सकते हैं, 24 सेंटीमीटर का ये साइज़ है। और तो ग्रेनाइट की फिनिशिंग से बेनिफिट ये होता है कि इसकी जो ग्रेनाइट की फिनिशिंग होती है, इससे इसका नॉन स्टिक है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है, और इससे जो है इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो नॉन स्टिक के आते हैं उनकी जो नॉन स्टिक होती है वो समय के साथ साथ वो उसकी ख़राब हो जाती है। जैसे कि मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, इससे पहले मैं जो यूज़ कर रहा था, इससे पहले उसको मैं ये वाला यूज़ कर रहा था, ये लोकल ब्रांड का है, जो मैं लोकली मैंने बाय करा था, ये कुछ इस नाम से मैंने ये लोकल मार्केट से मैंने बाय करा था। इसका प्राइस भी दोस्तों मुझे 750 रुपये के आसपास पड़ा था, जो मैं लोकली मैंने बाय करा था, और इसका प्राइस भी लगभग 750 रुपये के आसपास ही मुझे पड़ा है। तो प्रेस्टीज ब्रांड का काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे इसका सेम प्राइस पड़ा है, और इसका भी मुझे लोकल मार्केट से सेम प्राइस पड़ा था, तो इसलिए मैंने ये वाला मैंने बाय नहीं करा। और लोकल मार्केट से बाय करने का जब फ़ायदा कुछ नहीं है, जब आप प्रेस्टीज का काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको मिल रहा है। और इसका जो मैंने इसे बाय किया था लगभग 1.5 साल पहले मैंने बाय किया था, और 1.5 साल के अंदर आप देख सकते हैं इसकी जो पूरी नॉन स्टिक है वो पूरी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए अगर आप बाय कर रहे हैं तो आप लोकल ब्रांड का तो बाय ना करें, अगर या फिर एक अच्छे ब्रांड का बाय करें जिसमें ग्रेनाइट की फिनिशिंग यहाँ पे दी हुई है, तो ये काफ़ी लंबा चलने वाला है आई होप। तो चलिए दोस्तों एक बार हम फ्राई पैन को इंडक्शन स्टोव के ऊपर एक बार रख के हम चेक कर लेते हैं कि ये इंडक्शन के ऊपर किस तरह से काम कर रहा है, और इसका भी एक बार हम नॉन स्टिक भी हम चेक कर लेंगे किस तरीके का ये है, क्योंकि मैंने इसे पहली बार मैंने बाय करा है, तो फर्स्ट टाइम मैं इसे चेक कर रहा हूँ, और इंडक्शन के ऊपर के लिए ही मैंने इसे बाय करा था। तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं इंडक्शन के ऊपर, और जो मेरे पास इंडक्शन है ये भी मेरे पास प्रेस्टीज का ही है। इसे जो है मैं लगभग 6-7 साल पहले मैंने बाय करा था, और अब तक ये परफेक्टली ये काम कर रहा है, प्रेस्टीज ब्रांड का है। ये प्रेस्टीज का PCIe 20 का मॉडल नंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये मैंने लगभग 7 साल पहले मैंने बाय करा था, और जब से ये अब तक ये परफेक्टली काम कर रहा है, और आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस मुझे पड़ा था उस समय 2000 रुपये के आसपास पड़ा था, और आज की डेट में भी इसका प्राइस इतने ही रुपये ही है, 2000 रुपये के आसपास का प्राइस है। तो आप चाहे तो इसको भी आप बाय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इंडक्शन स्टोव है, इसका लिंक भी आपको मैं नीचे दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इसे एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक थोड़ा सा पनीर यहाँ पे हम गर्म करने वाले हैं, और यहाँ पे हम कुछ सब्जियाँ यहाँ पे हम करने वाले हैं।
तो ये भी मैंने अमेजोन से बाय किया था, ये मैंने सेंसो ब्रांड का मैंने बाय करा था अमेजोन से, और काफ़ी अच्छा है ये भी काफ़ी हेल्प करता है सब्जियों को काटने के लिए। तो यहाँ पे कुछ प्याज है, टमाटर है और कुछ हरी मिर्च है, तो इसको हम करने वाले हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे इसे हम ऐसे ऑन कर लेते हैं और यहाँ से इसका एक बार हम टेम्परेचर सेट कर लेते हैं और यहाँ से इसका हम टाइमर लगा देते हैं यहाँ पे 5 मिनट का 6 मिनट का हम टाइमर लगा देते हैं। दोस्तों इंडक्शन में खास बात ये रहती है कि इसमें हमें टाइमर मिलता है जो हमें गैस के अंदर नहीं मिलता है। तो इंडक्शन से बेनिफिट ये रहता है कि इसमें हम टाइमर लगा सकते हैं, जिससे हमें क्या होता है टेंशन फ्री हो जाते हैं। और ये टाइमर लगाने से काफ़ी बेनिफिट मिलता है, जिससे आप अगर आपसे छोड़ के चले जाओगे तो आप प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने कर लिया है और यहाँ पे हम थोड़ी सी ये हमने स्मैश कर ली है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे एक बार हम टेस्ट करते हैं, सब्जी डाल देते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिना ऑयल के मैं इसे गर्म कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ भी यहाँ पे अभी ऑयल नहीं गिरा है। तो थोड़ा सा इसके अंदर हम बहुत ही मैं थोड़ा सा यहाँ पे गिर रहा हूँ, काफ़ी इतना जो काफ़ी जरा सा मैं यहाँ पे घी गिर रहा हूँ। थोड़ा गैस यहाँ पे कम कर देते हैं, गैस का मैंने काफ़ी तेज कर रखी है, इसे हम 300 पे कर देते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा पनीर डाल लेते हैं। अब अच्छी तरह से यहाँ पे हम मिक्स कर लेते हैं पनीर को। और दोस्तों जो फ्राई पैन है इसके ऊपर आप चाहे तो स्पून का भी आप यूज़ कर सकते हैं और वुडन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि इसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर आप शो कर रहा है कि इस पर आप स्पून का भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस पर ग्रेनाइट की यहाँ पे फिनिशिंग यहाँ पे दी हुई है, तो इससे इसका जो इंडक्शन है वो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये मैंने गरम करा है इंडक्शन के ऊपर, और आप देख सकते हैं और इसमें मैंने लगभग बहुत ही हल्का सा मैंने घी यूज़ करा था, लगभग नाक के बराबर मैंने करा था, और आप देख सकते हैं तो इसने काफ़ी अच्छा करा है, काफ़ी अच्छी तरह से काम करा है मेरे हिसाब से। और इसकी ग्रीन लाइट की फिनिशिंग है, तो इसके ऊपर हम मेटल स्पून का भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो उनकी अमेज़न के ऊपर की जो वेबसाइट है उस पर शो किया हुआ है कि इस पर हम मेटल भी यूज़ कर सकते हैं और इस पर हम वुडन भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये मेटल की स्पून मैंने यूज़ करी थी, और मैं ज़्यादातर मेटल की स्पून ही मैं यूज़ करता हूँ, मैं अदर वुडन की जो स्टिक आती है वो मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ये फ्राई पैन है, आप इसे दे सकते हैं, इसका लिंक आपको दे दूंगा। ये जो है प्रेस्टीज के नाम से ओमेगा डीलक्स ग्रेनाइट के नाम से आता है, तो इसका लिंक आपको दे दूंगा, एक बार आप जाकर चेक कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा है, जो इसमें हमें नॉन स्टिक मिलता है सुपीरियर क्वालिटी का ड्यूरेबल ग्रेनाइट फिनिशिंग यहाँ पे कोटिंग यहाँ पे दी हुई है, और यहाँ पे इसका गैस और इंडक्शन दोनों के ऊपर सेम यूज़ कर सकते हैं। और 24 सेंटीमीटर का आप देख सकते हैं इसका साइज़, तो काफ़ी देखने में दोस्तों काफ़ी बड़ा है, जो इजीली आप इससे अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यही था मेरा प्रोडक्ट जो मैंने अमेजोन से बाय किया था, और इसका प्राइस मैं लगभग 750 रुपये के आसपास पड़ा था, तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, एक बार आप जाकर इसका प्राइस चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप चाहे तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।